हेलो वेलकम बैक दोस्तों, मैं विराज गुप्ता फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने टेक्निकल चैनल जिले सलीमपुर पे। आज हम जानने वाले हैं गाना हॉट शॉर्ट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक शॉर्ट वीडियो ऐप है, आपको टिकटॉक के बाद कई अल्टरनेटिव सुनने को मिले होंगे जिसमें आपको एमओजे या फिर चिंगारी और इसी तरह के अनेक वीडियोज मिले थे जिसके बारे में मैंने वीडियोज बनाए थे, उनको आप लिंक में जाकर के आई बटन पे देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं गाना हॉट शॉर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गाना हॉट शॉर्ट आखिर कैसा ऐप है, क्या मिलने वाले हैं फीचर्स, क्या उसकी कमियां हैं, क्या फायदे हैं, कैसे वीडियो बनाया जा सकता है, उसके फिल्टर्स कैसे पा सकते हैं, हम कैसे उसे डाउनलोड करें, कैसे करें उसका इस्तेमाल, ए टू जेड सारी डिटेल्स में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप बीच में गायब रहने के लिए क्षमा चाहूंगा, कुछ पर्सनल दिक्कतों की वजह से कुछ दिन तक मैं गायब था। फिलहाल मैं आ चुका हूँ दोबारा आप लोगों के लिए नए वीडियोज लेकर के, तो वीडियो को अंत तक देखिए और सबसे पहले काम करिएगा कि लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो और कर देते हैं इस टेक्निकल मिस्टेक को भी रिवील। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा गाना हॉटशॉट के लिए और आप इस पे सर्च बार पे गाना हॉटशॉट लिख करके, और जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो देखिए आपके सामने वही गाना हॉटशॉट लिख करके आएगा। लेकिन ये आप पुराना वाला ऐप जो गाना ऐप होता है ना, उसी को आप अपडेट कर देते हो, आपको इनबिल्ट फीचर के तौर पर वो मिल जाएगा। खैर मैं बाकी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे अकाउंट बनाएं, वीडियोस को यूज़ करना, देखना, शेयरिंग कंटेंट, बाकी सब कंटेंट। तो फिलहाल हमारा जो ये गाना ऐप जो है वो हो रहा है डाउनलोड, जो कि पहले से ही मेरे में डाउनलोडेड था और अपडेट हो रहा है। 16.41 MB का अपडेट है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इस पे जितने भी स्टार्स थे टिकटॉक वगैरह के वो अभी इस पे आ चुके हैं। अपडेट होने के बाद तुरंत ही आपको इसे ओपन कर लेना और देखिए आपका इंटरफेस बस बजना चाहिए गाना, म्यूज़िक, पॉडकास्ट एंड हॉट शॉट्स। पहले म्यूज़िक और पॉडकास्ट आप लोग जनरली यूज कर चुके हैं, फिलहाल आपको सीधे सीधे हॉट शॉट नीचे दिखाई दे रहा होगा न्यू बटन के नाम से, मुझे वहाँ क्लिक करना था और मैंने ये क्लिक कर भी दिया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो आपका ऐप है वो थोड़ा सा स्लो काम करता होगा, तो इसकी जो जनरल सी एक छोटी सी सेटिंग है, आपको करना क्या है, एक बार आपको एयरप्लेन मोड ऑन कर देना है और उसे बंद कर लेना है। आप सबको पता है कितनी बार हमें करना पड़ता है, और जैसे आप ये करते हैं आपके सिंक्स अच्छे से हो जाएंगे और स्पीड भी वापस आ जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वीडियोस प्ले हो रहे हैं। फिलहाल इसमें शुरू में ये था कि इस पे खाली आप लोग डाउनलोडेड वीडियोस अपलोड कर सकते थे, कैमरा एडिटिंग और वीडियो एडिटर के कुछ इफेक्ट्स नहीं दिए हुए थे। फिलहाल मैं पहले बेसिक चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। पहली चीज़, इसमें जो भी कंटेंट यूज हुआ है सब मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से दिखा रहा हूँ, तो आप लोग उसका वैसे इस्तेमाल करें। देखिए पहले फॉर यू, तो ये आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा है। फॉलोइंग पे अगर आप जाते हैं तो रिकमेंडेशंस दिखाएगा और ये बताएगा कि आप किसे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, और डिस्कवर पे जाने के बाद आप किसी को सर्च वगैरह कर सकते हैं, और फॉर यू पे आने के बाद आपका फिर से आप लोग जनरली जिस इंटरफेस में थे वीडियोस देखने के वो इंटरफेस होगा। ये देखिए टॉप क्रिएटर्स के नाम यहाँ दिखाएगा और फिर यहाँ पे अलग अलग हैशटैग्स दिखा रहा है कि कॉमेडी है, डांस है, ट्रेंडिंग साउंड क्लिप्स है और बाकी सारी चीज़ें फॉलोइंग वगैरह। तो हम फिलहाल फॉर यू पे रहते हैं और आपको दिखाते हैं कि कुछ वीडियोज़ जो आप लोग देख रहे हैं फिलहाल, उन वीडियोज़ में सबसे पहले एक नया ऑप्शन इसमें है जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है जो अच्छा है, वो है शेयर का। तो आप अगर यहाँ क्लिक करते हैं शेयर बटन पे तो आपको शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए कंटेंट के लिए प्रोसेसिंग हो रही है थोड़ी सी, फिर जाकर के शेयर के बाद आपको यहाँ पे लाइक बटन देखने को मिल जाता है, फिर लाइक बटन के बाद आपको नीचे देखिए डाउनलोड मिल जाता है, फिर यूज़ म्यूज़िक का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, और फिर जा करके प्लस बटन पे आप क्लिक करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप चाहें तो अपने इस गाना हॉट शॉट में शुरुआत में ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अलग अगर बात की जाए तो जैसे ही हम नीचे वाले प्लस बटन पे क्लिक करते हैं क्रिएशन के लिए, तो देखिए डाउनलोड टू न्यू फीचर्स के बारे में आ रहा है। 49 MB का अपडेट है। गाना नीड्स टू बी डाउनलोड हॉटशॉट लाइव फीचर एंड हॉटशॉट वीडियो एडिटर फीचर बिफोर यू कैन यूज देम। देखिए जनरली था क्या कि जो जनरली पहले से लोग गाना ऐप यूज़ कर रहे थे उनके में इनबिल्ट तौर पर एक फीचर मिल गया है। इसके अलावा आपको अगर लाइव जाना है या फिर वीडियो की एडिटिंग करनी है तो आपको फीचर्स हॉटशॉट ऐप जो इसमें है इसे वीडियो एडिटर को डाउनलोड करना होगा। फिलहाल मैं इसे कर लेता हूँ डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कि आगे की क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जब डाउनलोड कंप्लीट होता है तो प्लस बटन कुछ ऐसा आता है। सबसे पहले ये आपसे पिक्चर्स को रिकॉर्ड करने के वीडियोज़ के लिए एक परमिशन मांगता है, इसे आपको अलाउ करना होगा। जैसे आप अलाउ करते हैं आप देख सकते हैं कि आपके सामने कैमरा फीचर खुल चुका है, और फिलहाल मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखा देता हूँ। कैमरा फ्लिप कर सकते हैं यहाँ से आप, और यहाँ पे फिलहाल मैंने कैमरा फ्लिप कर दिया हुआ है।
इसके बाद आप रिकॉर्डिंग चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग का फीचर आप देख रहे हैं, आपको इसमें मिल गया। इफेक्ट्स डाल सकते हो आप, जैसे यहाँ पे शूटिंग के लिए इफेक्ट है, स्नोफॉल है, बुमरेंज है, एक्सक्यूज, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप यहाँ से ये डाल सकते हो। आप अपलोड्स कर सकते हो कुछ और वीडियोज़ वगैरह, फ्लैश आप डाल सकते हो, देखो यहाँ से ऑडियो पे कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हो आप लोग। और ऑडियो इफेक्ट के बाद अगर हम बात करें तो ये ऑडियो इफेक्ट है कि आपको कैसा चाहिए, लिटिल गर्ल, किड, अंकल, ट्रांसफॉर्म, एसेंट, कुछ इफेक्ट्स मिल रहे हैं। फिर स्पीड के लिए है, आप चाहें तो वीडियो की स्पीड 1x 2x बढ़ा सकते हैं। ब्यूटी के ऑप्शन हैं इसमें, आप वो भी डाल सकते हैं। फिर इसके अलावा बात करी जाए तो फिल्टर्स कुछ अवेलेबल हैं, फिल्टर्स आप डाल सकते हैं, देख रहे हैं फिल्टर्स अप्लाई हो रहे हैं। फिर फिल्टर्स के बाद टाइमर डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एक छोटा सा वीडियो आप चाहे तो ऐसे शूट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जैसे वीडियो शूट कर लेते हो, आपका जो कंटेंट है वो कंप्लीट है, और आप इसे ओके करने के साथ ही कंप्लीट भी कर सकते हो, और इस तरह से आपका वीडियो जो है वो बन जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना होगा कि इस पे आपको एक अकाउंट अपनी बनानी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे उसको मैं अगले वीडियो में दिखाता हूँ। फिलहाल आपको दिखा दिया मैंने कि सारे फीचर्स आपको कैसे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं विराज गुप्ता फिर लेकर के आऊँगा आपके लिए एक नया कॉन्टेंट। तब तक के लिए गुड बाय।